वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारा एनजीओ है, इसके अंदर हमने कई सारे उपराले किए हैं, जिन उपरालों में से आज हम एक नया उपराला करने जा रहे हैं या नया इनिशिएटिव करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्राउड वुमेन अचीवर्स अवार्ड, और उसके साथ में हम लोग करने जा रहे हैं प्राउड वुमेन अचीवर सीरीज। तो हम लोगों ने देखा है कि देश में और विदेश में बड़ी सारी ऐसे फीमेल और वुमेन कैंडिडेट होते हैं जो समाज में, अपने घरों में और अलग अलग अपने पार्टिकल्स में, जैसे किसी ने एजुकेशन के अंदर, किसी ने सोशल सर्विस के अंदर, किसी ने हेल्थ केयर के अंदर, किसी ने आर्ट्स एंड पेंटिंग के अंदर बहुत कुछ अचीव करा। और कोरोना के बाद बड़ी सारी ऐसी महिलाएं भी निकल के आई हैं जिन्होंने कोविड रिहैबिलिटेशन में, जब उनके घर परिवार में से कोई अर्निंग मेल मेंबर चला गया, उसके बाद अपने बलबूते पे पूरा अपना घर परिवार और अपने बच्चों को और बच्चों की पढ़ाई को संभाल रखा। तो ऐसे लोगों को समाज के सामने लाना, दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे इन लोगों की जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ इन्होंने अपनी लाइफ में झेली हैं, वो एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन के वे में आगे निकल के आए और समाज को प्रेरित करें कि किसी भी हालातों से अगर आपका दृढ़ निश्चय है और आप अगर उस दृढ़ निश्चय में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जिस तरीके से हमने प्राउड से एंटरप्रेन्योर्स की स्पेशल एडिशन की सीरीज चला रखी है, इसी तरीके से हम लोग अब प्राउड वुमेन अचीवर स्पेशल एडिशन की सीरीज बना रहे हैं, जिसके अंदर हम इनवाइट करेंगे कि महिलाएं, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, किसी भी धर्म के हो, और उन्होंने अगर किसी भी क्षेत्र में, जैसे सोशल सर्विस, एजुकेशन, अपने घर परिवार में उलझने आई और उसको दोबारा संवारा, स्पोर्ट्स के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, अगर वो पेंटिंग के अंदर, डांस के अंदर, किसी भी इस तरीके से उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करा है, तो वो एक अपनी छोटी सी 3 मिनट की वीडियो बनाए और उसके सपोर्टिंग में जो उनकी कवरेज अगर कहीं पर है तो वो हमारे ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर शेयर करें। जब इस तरीके से ये प्रोफाइल्स हमारे से शेयर करी जाएंगी तो हमारी जो कमिटी है वो इन सब को देखेंगी और इन सब में से पहले फेज में सेलेक्ट करेंगी टॉप 25 महिलाएं। उन फिर 25 महिलाओं के ऊपर हम डेडिकेटेडली एक एक एपिसोड तैयार करेंगे जिसके अंदर उनकी बायोपिक या जीवनी और लाइफ इंस्पिरेशनल कहानी, जब कैसे उन्होंने शुरू करा, क्या प्रॉब्लम फेस करी और आज उन्होंने क्या मुकाम हासिल करा है, ये डालें। तो मैं इनवाइट करता हूँ संगत से देश में, विदेश में, कि अगर वो इस तरीके की खुद महिलाएं हैं तो वो अपना एक छोटा वीडियो बना के हमारे से शेयर करें हमारे ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के नीचे दिए गए नंबर पर। और साथ में अगर आप ऐसे किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में और अपने समाज के लिए काफ़ी कुछ करा है बट आज भी उनको एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन और जो सराहना मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, तो आप उनकी भी जीवनी और उनकी भी इंफॉर्मेशन हमारे से शेयर कर सकते हैं ताकि हम ऐसे लोगों को एक मंच पर लाकर एप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें और उनके जो एफर्ट्स डाले गए हैं अपने अपनी लाइन में, उस इंस्पिरेशन को दुनिया के सामने लें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।